महामारी तथा जानलेवा रूप ले चुके कोरोना दूसरा भी दौर आम जनजीवन पर काफी भारी साबित हो रहा है। इस महामारी से बचने के लिए कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं और वाहन भी चलाते समय गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि समय के साथ लोगों के समक्ष जीविका उपार्जन का भी संकट मंडराने लगा है, लेकिन लोगों का ध्यान इस पर नहीं है। आज भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र के चौरी बाजार में दर्जनों वाहनों का चौरी पुलिस ने चालान काटा है। कोरोना काल में बिना मास्क के बाइक पर चलने वालों की पुलिस ने संयुक्त रूप से चौरी बाजारों में चेकिंग अभियान चलाया और समझाया कि दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 का जुर्माना होने की बात कहते हुए चौरी पुलिस ने उन्हें मास्क पहनने की चेतावनी दी। बताते चले कि कोरोना संक्रमण लोगों के बीच फैल रहा है, जरा सी चूक लोगों की मुसीबत में डाल रही है। मास्क पहनने से काफी हद तक कोरोना संक्रमण रुक रहा है, यह बात जानते हुए भी लोग मास्क लगाने से और वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आपको बताते चले कि लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में एक दर्जन से करीब अधिक वाहनों को जब्त कर लिया और पकड़े गए वाहनों में से 3,000-3,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जिन वाहनों का चालकों ने जुर्माने की रकम अदा नहीं की, ऐसे वाहनों को सीज करने की कार्रवाई भी की गई। चौरी पुलिस ने लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप में वाहनों को जब्त किया। बताया जाता है कि चौरी बाजार में चालक मनमाने तरीके से राज्य मार्गों पर फर्राटा भर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, सवारियों को बैठा रहे हैं। इस पर चौरी पुलिस ने कार्रवाई की। चौरी पुलिस ने वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि लॉकडाउन के उल्लंघन किया गया तो निश्चित रूप से कठिन और आगे भी कार्रवाई की जाएगी।